हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो एग्जाम्पल 11 थी मैट्रिक्स यूनिट की, तो वो हमने सॉल्व कर ली थी. तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस. और एक बहुत ही जरूरी सूचना है कि डियर स्टूडेंट्स, मैं जो 11th क्लास का जो मैथ सब्जेक्ट्स है, तो उसकी वीडियोस भी इस चैनल पे अपलोड की जाएंगी. तो प्लीज़ 11th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करो, ये वीडियोस शेयर करो, ताकि वो बच्चे भी जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस 11th क्लास के लिए आएंगी, तो उनको एंजॉय कर सकें. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर. तो आज हमने क्या पढ़ना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस. तो देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस में क्या है, तो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्सेस हैं ए एंड बी, तो सबसे पहले उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो डिफाइंड कब होगी, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए. देखो, जब हम मैट्रिक्स लिखेंगे ए बी, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स और जो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, तो ये क्या होने चाहिए, दोनों सेम. मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रो रोज बी मैट्रिक्स के, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम. अगर ये सेम होंगे, तब जाके हमारी जो ए बी प्रोडक्ट होगी टू मैट्रिक्स की, वो डिफाइंड होगी. तो यही हमने लिखा है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. मतलब ए जो मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स और जो बी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर. तो अब जाके हमारे पास ये जो ए बी मैट्रिक्स होगी वो हमारी डिफाइंड होगी. अब सपोज करो हमने एक मैट्रिक्स ले ली है ए, जिसमें एम क्रॉस एन जिसका ऑर्डर है. इट मींस इसमें नंबर ऑफ रोज कौन सी है, नंबर ऑफ रोज है एम और नंबर ऑफ कॉलम्स है एन. जब नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें एन है और जो बी मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, एन, तो ये एन और ये दोनों एन क्या है, बराबर. एन ही लिया हमने इसमें, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जो ए मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज जो बी मैट्रिक्स के, अगर ये बराबर होंगे, तब जाके हमारा जो ए बी मैट्रिक्स होगी वो डिफाइंड होगी. तो ये हमने सपोज किया कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो हम जो हमारी प्रोडक्ट होगी ए बी मैट्रिक्स, तो वो किस तरह से डिफाइंड होगी. सपोज करो वो मैट्रिक्स हमारी है सी इज इक्वल टू ए बी, तो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे ये किसी भी रो के जो मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स ए है और जो मैट्रिक्स बी है उसके ये क्या है, कॉलम. तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो पहला एलिमेंट होगा इसका और ये मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये एलिमेंट और फिर ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, और ये सारी प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. ये प्लस हमने साइन लगाया हुआ है. तो जब ये सारी की सारी चीजें ऐड होंगी, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, हमें ये वाली ए बी मैट्रिक्स मिलेगी. तो देखो उसका ऑर्डर किस तरह से होगा, अगर हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर है, सपोज करो ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1x2 और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2x3, तो ये टू और ये टू क्या होने चाहिए, सेम. जब ये दो टू सेम है, तो जो ए बी मैट्रिक्स आएगी तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, 1x3. उसका ऑर्डर क्या आएगा, 1x3. तो वही हमने लिखा है कि इनमें क्या ऑर्डर क्या था, एक में था एम क्रॉस एन और दूसरा क्या था, एन क्रॉस पी. ये एन क्या था, सेम, तो इसलिए हमारा ऑर्डर क्या आएगा, एम क्रॉस पी. तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ए बी, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस पी. तो अब देखो हम इसमें एग्जाम्पल्स करेंगे कि हमने फाइंड करना है ए बी, और अगर हमें ये ए दिया गया है और ये मैट्रिक्स बी दिया है, तो देखो जो ए मैट्रिक्स है जो बी मैट्रिक्स है, हम ए बी प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, अगर हमारा इसका ऑर्डर क्या है 2x2 और इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x3. तो देखो ये जो 2 है और ये जो 2 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज ये दोनों क्या है, बराबर. तो जो ए बी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x3. तो इसका मतलब ये जो ए बी है वो क्या है, डिफाइंड है. अगर ये डिफाइंड है तो हम देखेंगे इन दोनों की प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं. तो ये है हमारी ए मैट्रिक्स, ये है बी मैट्रिक्स. जो ए बी मैट्रिक्स होगी, तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाली जो रो है, क्या है ये रो, इस रो को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम के साथ 2, 7 के साथ. 6, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 7 के साथ, मतलब 6 × 2 + 9 × 7, मतलब 6 × 2 + 9 × 7. उसी तरह से फिर हम यही वाला लेंगे और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम
इसके साथ, मतलब यही जो रो है अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 × 6 और फिर प्लस 9 × 8, 9 × 9, ये भी 9 है तो 9 × 9। और उसी तरह से फिर हम क्या लेंगे, थर्ड लेंगे और इसी की हम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 0, तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम 9 × 8, तो ये हमने लिखा हुआ है। फिर ये देखो ये हमने क्या किया, जब हमने पहली रो ली इसकी, तो हमने ये जो तीन कॉलम्स थे तीनों कॉलम्स के साथ इन एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई की और उनको ऐड किया। तो अब हम वैसे ही सेकंड वाला जो रो है हम उसको लेंगे और हम पहले पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला एलिमेंट आएगा। फिर उसके बाद जब हम दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसी रो को, तो वो हमारा ये वाला एलिमेंट आएगा। फिर जब हम तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, मतलब 2 × 2 और 3 × 7, तो ये हम प्लस कर देंगे। फिर 2 × 6, फिर 3 × 9, फिर उसी तरह से 2 × 0, फिर प्लस 3 × 8, 2 × 0 प्लस 3 × 8। तो सबसे पहले प्लीज स्टूडेंट्स, तो ये मैट्रिक्स जो मल्टीप्लीकेशन है इसको आप अच्छे से समझ लो। देखो हम क्या करते हैं, मतलब सबसे पहले एक रो लेते हैं, जब ये रो लेंगे उस रो के जो एलिमेंट्स होंगे और जो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे किसमें, कॉलम में, तो हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे, मतलब 6 × 2, फिर प्लस लिखेंगे 9 × 7, तो ये हमने लिख लिया। फिर उसी तरह से 6 9, ये वाली रो यही लेनी है हमने, और हमने कौन सा लेना है, ये वाला कॉलम, तो वो हमारा एलिमेंट कौन सा आएगा, ये वाला, ये पहले के लिए हमारा ये आएगा। फिर इसी रो के साथ जब दूसरे के साथ करेंगे तो ये वाला आएगा। फिर इसी रो का जब हम तीसरे के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो कौन सा आएगा, ये आएगा। फिर जब नेक्स्ट नीचे वाली रो लेंगे तो वो कौन से एलिमेंट आएंगे, ये वाले, पहला पहले के साथ करेंगे तो ये आएगा, जब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और तीसरे कॉलम के साथ करेंगे तो ये आएगा। तो ये आप बच्चे प्लीज इसको, अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो दोबारा से, यो मैंने ये प्रोसेस बताया, इसको दोबारा से 1 2 3 बार देखो, आपको अच्छे से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना समझ आ जाएगा। तो देखो फिर हम क्या करेंगे, बस ये 6 × 2 = 12 प्लस 9 × 7 = 63, तो हमने इनको सिंप्लीफाई किया, तो 6 × 6 = 36, 9 × 9 = 81, 6 × 0 = 0 और 9 × 8 = 72, तो यही चीजें हमने लिखी है। 2 × 0 करेंगे 0, 8 × 3 = 24, यहाँ पे आ जाएगा 6 × 2 = 12 और 9 × 3 = 27, और 2 × 2 = 4 और 7 × 3 = 21। तो जब हमने इनको देखा तो ये क्या बना 75, ये आ गया हमारे पास 117, ये आ गया 72, ये 25, ये 39 और ये 24। तो मैंने आपको जो ऑर्डर बताया था इसका ऑर्डर क्या आना था, 2 × 3, तो वही चीज ऑर्डर यहाँ पे आया, क्योंकि इसमें क्या है 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, तो जब ये 3 कॉलम्स हैं तो 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 3। तो होप करता हूं कि आप बच्चों को ये जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है। और आगे हम इनको और बड़ी सारी जो एग्जाम्पल्स लेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, तो वहां पे भी आप बच्चे इसको आसानी से समझ जाओगे। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, कि जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं मैट्रिक्सेस की, सपोज करो ए क्रॉस बी मतलब ए बी, और दूसरा है हमारे पास बी और ए की मल्टीप्लाई, ये बी ए है और ये ए बी है। तो अब देखो ये जो ए बी है ये बी ए के बराबर जरूरी नहीं है कि ये ए बी और बी ए क्या हो, बराबर हो। जैसे देखो हम देखते हैं कि 2 × 4 करेंगे तो वो किसके बराबर आता है, 8 के बराबर आता है, वैसे ही 4 × 2 करेंगे तो वो किसके बराबर आता है, 8 के बराबर आता है। ये नंबर के केसेस में तो होते हैं कम्यूटेटिव, नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है ये जरूरी नहीं है कि ये कम्यूटेटिव हो। तो वही अगर लिखा है हमें, अगर हमारे पास ए बी और बी ए दोनों क्या हो, डिफाइंड हो, मतलब उन दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल हो, तो प्रोडक्ट्स पॉसिबल कब होती है, जब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के अगर इक्वल हो, तब जाके ये क्या होती है, डिफाइंड होती है। अगर ये दोनों डिफाइंड हो तो इट इज नॉट नेसेसरी, कि ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए क्या हो, बराबर हो। ये बराबर हो भी सकते हैं लेकिन ये बराबर नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बराबर ही होंगे। तो देखो इसके, इसको प्रूव करने के लिए हमने एक एग्जांपल ली है। तो देखो एग्जांपल 13 में क्या है, ए मैट्रिक्स हमें ये दी गई है, बी मैट्रिक्स हमें दी है, अब हमने निकालना है ए बी मैट्रिक्स और हमने बी ए मैट्रिक्स निकालना है, और फिर हम वहां पे देखेंगे कि ए बी और बी ए ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो देखो जी ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, और ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इसका मतलब 3 कॉलम हो गए और 2 रोज हो गई, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अभी देखो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है 1, ये हमारे पास फर्स्ट रो,
सेकंड रो और थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तो इसका मतलब कितनी रोज है, 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो देखो इसका ऑर्डर है पहली वाली मैट्रिक्स का 2x3 और इसका ऑर्डर है 3x2। तो अब जब हम प्रोडक्ट लेंगे कौन सा, सबसे पहले ए बी, जब हम ए बी लेंगे तो ए बी लेंगे तो सबसे पहले हमें पहला कौन सा लिखना पड़ेगा, ए, तो ए का ऑर्डर क्या है 2x3, और फिर किसका ऑर्डर लेंगे हम बी का, तो वो क्या ऑर्डर है 3x2। तो देखो ये 3 और ये 3 क्या है, सेम है, अगर ये सेम होगा तो हमारा ऑर्डर जो मैट्रिक्स ए बी होगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, जो ये चीजें बचती हैं जैसे 2 और 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2x2। तो देखो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, मैंने आपको बताया कि इसको हम लेंगे फर्स्ट रो, तो जब ये फर्स्ट रो लेते हैं तो हम पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मतलब सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसके साथ करेंगे फिर इसी रो को लेंगे और फिर हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब हमने फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर प्लस -2 इंटू 4, तो वही लिखा है -2 इंटू 4, फिर 3 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट यो। फिर उसके बाद हम इसी रो को लेंगे और सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 लिखा, फिर प्लस -2 इंटू 5, तो -2 इंटू 5, फिर प्लस 3 इंटू 1, तो वही लिखा 3 इंटू 1, तो ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो गया। देखो जो फर्स्ट रो ली थी हमने तो ये कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, फर्स्ट रो के ही एलिमेंट आ रहे हैं। फिर अब हम लेंगे सेकेंड रो, जब हमने सेकंड रो ली तो अब हमारे कौन से एलिमेंट आएंगे, सेकंड रो के ही एलिमेंट्स आएंगे। तो देखो अब जब हमने 4 -4 2 और 5 लिया तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, पहले कॉलम के साथ, तो जब हम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी -4 इंटू 2, -4 इंटू 2 लिखा, फिर 2 इंटू 4 लिखा, 2 इंटू 4 वैसे लिखा, फिर 5 इंटू 2 लिखा, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी कॉलम इसी रो की हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 इंटू 3, -4 इंटू 3, फिर 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5, फिर 5 इंटू 1, तो वही लिखा है हमने 5 इंटू 1। तो मैं होप करता हूं कि आपको अब मल्टीप्लीकेशन करने में कोई भी डाउट ना रहा हो। तो देखो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, फिर 4 2 जा 8, -8 हो जाएगा, फिर +6 हो जाएगा, तो हमने इसी को सिंप्लीफाई किया है तो क्या आ गया 3 -10 +3, -8 +8 +10, और यहां पर आ जाएगा 4 3 जा 12, -12, 5 2 जा 10, और फिर 5 1 जा 5। तो जब देखो ये ए बी है तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या आया हमारे पास, ये 2 था, ये 6 था, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 - 8 कितना होगा 0, 3 और 3 कितने होते हैं 6, 6 - 10 कितना होता है -4, और उसी तरह से -8 + 8 कितना होता है 0, 0 + 10 कितना होता है 10, और ये आ जाएगा हमारे पास -12 + 10 कितना होता है -2, -2 + 5 कितना होता है 3। तो ए बी जो है तो वो हमने निकाल दिया और ए बी का आर्डर हमें क्या मिला, जो मैंने आपको बताया था 2x2, तो वही आर्डर हमें यहाँ पे मिला। अब हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, बी ए। तो नेक्स्ट करते हैं फाइंड, तो अब देखो हम निकालेंगे बी ए। तो बी ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बी का ऑर्डर देखना पड़ेगा, तो बी का ऑर्डर क्या था हमारे पास, ये है 1 2 और 3, तो कितनी रोज है 3, और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 3x2, और फिर हम किसका ऑर्डर लेते हैं ए का, तो ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास, ये है 1 और ये है क्या 2, तो ये हमारे पास 2 रोज हो गई, और 1 2 और 3, तो 2 रोज और 3 कॉलम्स, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 2x3, तो ये 2 और ये 2 क्या है सेम है, जब ये सेम होता है तो इसका मतलब ये क्या है बी ए हमारे पास, ये बी मैट्रिक्स का था और ये ए मैट्रिक्स का, इसका मतलब ये बी ए हमारे पास क्या होगा डिफाइंड होगा, और बी ए जो डिफाइंड होगा तो उसका ऑर्डर कौन सा होता है, जो हमारे पास ये वाले नंबर्स बचते हैं, तो ये क्या है हमारे पास 3x3। तो देखो अब ये वाली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी 3x3 की, और जो ए बी मैट्रिक्स निकाली थी वो किस ऑर्डर की थी 2x2 की। देखो ए बी 2x2 की है और बी ए 3x3 की है, तो इसका मतलब ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर दो मैट्रिक्स अलग ऑर्डर की हैं तो और वो बराबर हों, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो अब हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बी ए हमने लिया तो हमने सबसे पहले जब हम बी ए लेंगे तो पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे, तो अब हम क्या करेंगे दोबारा वैसा ही रहेगा, हम क्या करेंगे फर्स्ट रो लेंगे और उसको हम पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही रो लेंगे फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही रो लेंगे और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब हमने फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 2 इंटू 1, फिर उसके बाद 3 इंटू -4, तो वो हमने यहां पर लिखा। उसके बाद क्या है इसके साथ, अब
सेकंड के साथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसी रो की, तो वो क्या हो जाएगा, 2 × -2, फिर क्या होगा, 3 × 2, तो वही हमने लिखा है 2 × -2, 3 × 2। उसके बाद हम किसके साथ करेंगे, थर्ड के साथ करेंगे, तो थर्ड कॉलम क्या है हमारे पास, 2 × 3 और 3 × 5, तो वही हमने लिखा है, ठीक है। तो बीच में हमने क्या करना है, प्लस का साइन डाल देना है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, सेकंड रो लेते हैं। जब सेकंड रो लेंगे तो फिर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, और फिर सेकंड के साथ, और फिर थर्ड के साथ करेंगे, तो 4 × 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 1, फिर 5 × -4, तो ये आ जाएगा 5 × -4, फिर उसी के बाद 4 × -2 करेंगे, तो वो हमारे पास सेकंड कॉलम लिया अब जब हमने, तो ये आ जाएगा 4 × -2, फिर 5 × 2, तो वही हमने लिखा है। उसके बाद अब हम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो की, तो 4 × 3, तो 4 × 3, फिर उसके बाद 5 × 5, 5 × 5, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद अब हम दोबारा ये थर्ड रो लेंगे और थर्ड रो की भी इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 2 × 1, फिर आएगा 1 × -4, तो 2 × 1 और 1 × -4 वही लिखा है हमने, फिर 2 × -2, और फिर हम क्या लिखेंगे, 1 × 2, तो 2 × -2 और फिर 1 × 2, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 2 × 3 और फिर 1 × 5, तो वही लिखा है हमने 2 × 3 और फिर क्या लिखा है, प्लस 1 × 5। तो अब देखो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये चीज हम सॉल्व करेंगे अब, तो ये क्या है, 2 × 1 = 2 और 4 × 3 = 12, -12 + 2 कितना होता है, 10, तो वही हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। फिर 2 × 2 = 4 -4, और प्लस क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, -4 + 6 कितना होता है, 2, फिर 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, 15 × 6 कितना होता है, 21, 4 × 1 = 4, 5 × 4 = 20, -20 और +4 कितना होता है, -16, उसी तरह से 4 × 2 = 8, -8 + 5 × 2 = 10, -8 + 10 कितना होता है, 2, 4 × 3 = 12, +5 × 5 = 25, 25 और 12 कितना होता है, 37, 2 × 2 और 4 × 4, तो ये -4 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, -2, फिर 2 × 2 करेंगे, -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4, -4 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, और उसी तरह से 3 × 2 = 6 और 5 × 1 = 5, 5 और 6 कितना होता है, 11। तो अब देखो हमारे पास इसका आर्डर क्या आ गया, हमारे पास 3 × 3, क्योंकि इसकी इसमें 3 ही रोज हैं और 3 ही हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, तो ये इसका आर्डर क्या है, 3 × 3, और वो यहां से मैंने आपको बता दिया था, वो भी आर्डर क्या होगा, 3 × 3। तो अब देखो जो ए बी थी, तो ए बी का आर्डर क्या था, 2 × 2, और इसका आर्डर क्या है, 3 × 3 है, तो इसका मतलब क्लियरली ए बी और बी ये क्या है, बराबर नहीं है। देखो जब आप ए बी को देखोगे, पीछे हमने निकाली, और जो बी ए है, तो इन दोनों को आप चेक करोगे तो ये बराबर नहीं है, तो हेंस प्रूव्ड कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इसका मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स जो ए और बी थी ये कम्यूटेटिव मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए हो भी सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के बराबर हो ही हो, मतलब ये कई केसेस में हो सकता है, आगे हम देखेंगे कुछ केसेस हमें ऐसे मिलेंगे कि वहां पे ए बी और बी ए दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर एक केस में ए बी और बी ए बराबर हो, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होती है उसको हम नॉन कम्यूटेटिव बोलते हैं, कि वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। तो अब हम पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट, एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। देखो मैं आपको बताऊं कि अगर हम जैसे 2 × 0 लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 0, या फिर 0 × 2 लेते हैं तो वो क्या आता है, 0। अगर हमें कोई भी नंबर 0 बनाना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, 0 के साथ मल्टीप्लाई, चाहे आपके पास 100 है, और 100 0 कब बनता है, अगर आप उसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे बनता है। तो अब देखो जो मैट्रिक्स का केस है, तो यहां पे तो हमने देखा कि 0 के साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास जो 0 मैट्रिक्स आती है उसमें जरूरी नहीं है कि जो नॉन 0 मैट्रिक्स हो, तो वो जो 0 मैट्रिक्स हो वही अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो 0 मैट्रिक्स आएगा। मतलब सपोज एक मैट्रिक्स कोई ए है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, 0 मैट्रिक्स है, तो तब जाके a × 0 मैट्रिक्स करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ये तो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा होने पर ही 0 मैट्रिक्स बने, अगर एक ए मैट्रिक्स है और दूसरी बी मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास 0 हो सकता है। तो वही इन्होंने लिखा है कि 0 मैट्रिक्स कैसा होता है, एज द प्रोडक्ट ऑफ
टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब टू नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब जो ऐसी मैट्रिक्स जो जीरो मैट्रिक्स ना हो उनका प्रोडक्ट करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ सकती है, जीरो मैट्रिक्स आ सकती है। वैसे हम उसको एक एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल से कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने एक एग्जाम्पल दी है एग्जाम्पल 15। तो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स वो हमें ये दी गई है और जो बी मैट्रिक्स हमें ये दी गई है। तो देखो बी मैट्रिक्स में क्या है, 3 5 0 0, और ए मैट्रिक्स है 0 -1 0 2। तो अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, और इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। तो इसका मतलब हमारे पास ए बी हो जो होगा तो वो क्या होगा, डिफाइंड होगा, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है, 2x2, और बी का ऑर्डर क्या है, 2x2। तो ये दोनों 2 क्या है, सेम। तो हमारे पास जो ए बी आएगा तो उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, ये 2 और ये 2, तो उसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, 2x2। तो अब देखो जब ए बी है हमारे पास तो उसका ऑर्डर आ जाएगा 2x2। तो हम देखते हैं कि उसको हम फाइंड कैसे करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, पहली रो को लेते हैं और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 × 3, फिर -1 × 0, तो वही हमने लिखा है यहां पे। फिर हम क्या करते हैं, इसी रो को लेते हैं और किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड कॉलम के साथ, 0 × 5, फिर -1 × 0, तो 0 × 5 -1 × 0, तो वही हमने लिखा है। उसके बाद हम क्या लेंगे, नेक्स्ट वाला लेंगे, 0 और 2, ये सेकेंड रो है जो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 × 3, फिर 2 × 0, तो वही लिखा है हमने। फिर उसके बाद 0 × 5 और 2 × 0, तो ये हमने सेकेंड फोर्थ एलिमेंट हमारा ये बन गया, ये थर्ड था और ये हमारा फोर्थ। तो अब देखो इन जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो क्या मिला, 0 × 3 0 -1 × 0 0 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0। फिर 5 0 0 और -1 × 0 करेंगे तो 0, इसका मतलब ये भी क्या आएगा, 0। 5 × 0 और 2 × 0, तो ये क्या होता है, 0, तो ये भी 0 आएगा। 3 × 0 0 और 2 × 0 0, इसका मतलब ये भी क्या आएगा, 0। तो ए बी हमारे पास क्या हो गई, 0 0 0 0, तो इसका मतलब ये क्या है, 0 मैट्रिक्स। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हमने ये एक नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी ये क्या थी हमारे पास, ए जो मैट्रिक्स है ये जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। और जो बी मैट्रिक्स है ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो अब ये दो हमने नॉन जीरो मैट्रिक्स ली थी और इनका जब हमने प्रोडक्ट किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो वही हमने यहाँ पे ये चीज प्रूव कर दी कि जीरो मैट्रिक्स हमें नॉन जीरो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से भी मिल सकता है। तो अब है एग्जाम्पल हमारी 14। तो एग्जाम्पल 14 में देखो आगे नेक्स्ट में क्या है, ए इज इक्वल टू 1 0 0 -1, और जो बी मैट्रिक्स है वो है 0 1 1 0, फाइंड ए बी और बी ए। कि अब हम ए बी निकालेंगे और बी ए निकालेंगे। तो देखो ए बी और बी ए हम कैसे निकाल सकते हैं, जब ए बी जो है हमारी मैट्रिक्स वो क्या है, 1 0 0 -1 और 0 1 1 0, ये हमारी है बी मैट्रिक्स। तो पहले हमने ए बी निकालना है जब, तो पहले हमने कौन सी लिखनी है, ए मैट्रिक्स लिखनी है और फिर हमने बी मैट्रिक्स लिखनी है। तो हमने पहले ए मैट्रिक्स लिखी फिर बी मैट्रिक्स लिखी, तो इनका ऑर्डर क्या था दोनों का, 2x2। इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2। जब इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो इट मींस जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं पहली मैट्रिक्स के वो नंबर ऑफ रोज के बराबर है सेकंड मैट्रिक्स के। इसका मतलब ये दो क्या है, ये 2 और ये 2 क्या है, बराबर। तो इट मींस इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 और फिर ये 2, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए बी का 2x2। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 0 और फिर 0 × 1, तो वो बीच में हम लिख लेंगे प्लस। उसके बाद हम सेकंड लेंगे, 1 × 1 और 0 × 0, और बीच में हमने लिख लिया प्लस। उसके बाद हम लेंगे ये वाला एलिमेंट, तो जब हम ये वाली रो लेंगे, इस रो का हम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 0 -1 × 1, तो 0 × 0 -1 × 1, और बीच में हम लिखना चाहें तो यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 × 1 और फिर -1 × 0, 0 × 1 + -1 × 0, तो वही हमने लिखा हुआ है। तो अब देखो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 0 1 × 0 करेंगे 0 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 1 × 1 1, और ये प्लस 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे -1 × 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 0 है और ये भी 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमने निकाल दिया ए बी। उसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे, बी ए निकालेंगे। तो देखो जब हमने बी ए निकाला तो 0 1 1 0, अब हमने क्या लिखा, पहले बी मैट्रिक्स लिखी फिर ए मैट्रिक्स लिखी। तो देखो अब ये भी तो पॉसिबल है, क्योंकि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, और ये दोनों 2 क्या है, सेम है। जब ये सेम है तो इनका ऑर्डर क्या आएगा, बी ए मैट्रिक्स जो होगी उसका ऑर्डर आएगा 2x2। तो ये बी ए जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी क्या है, 2x2। तो देखो अब 0 × 1 और 1 × 0, ये हमने पहला एलिमेंट हो गया, पहली रो ली थी और पहला
कॉलम लिया था, फिर पहली रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे, 0 × 0 1 × -1, तो ये हमने लिया 0 × 0 1 × -1। उसी तरह से अब हम सेकंड वाला लेंगे, सेकंड रो, सेकंड रो के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम की 1 × 1 और 0 × 0, तो वही लिखा, फिर 1 × 0 0 × -1, तो ये हमने निकाल दिया। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, ये 0 आया, ये हमारा -1 एलिमेंट आया, और ये हमारा 1 आया, और फिर ये हमारा आ गया 0। तो अब देखो ये जो मैट्रिक्स है बी ए, बी ए तो एलिमेंट, बी ए में एलिमेंट है 0 -1 1 और 0, और जो ए बी मैट्रिक्स है वहां पे एलिमेंट क्या है, 0 1 -1 और 0। तो देखो यहां पे ये जो ए 12 एलिमेंट है वो -1 है, और यहां पे क्या है, 1 है, यहां पे जो ए 21 एलिमेंट है वो 1 है, और यहां पे ए 21 11 एलिमेंट क्या है, -1 है। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर नहीं है। तो वही चीज हमने पहले भी एक प्रॉपर्टी करी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की, कि ये दो मैट्रिक्स अगर ए और बी मैट्रिक्स है तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों क्या हो, कम्यूटेटिव हो। तो यही हमने प्रूव यहां पे कर दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो होप करता हूँ आप बच्चों से कि ये जो मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना सिखाया तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, हमने इसमें की बड़ी सारी एग्जांपल्स भी ली। तो अगर डियर स्टूडेंट आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के साथ साथ ये नोटिफिकेशन आइकन होता है बेल आइकन, उस पर क्लिक करो ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को एंजॉय कर सको। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स ये जो मेरी वीडियोस हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं और आप चाहते हो कि बाकी स्टूडेंट्स की आप हेल्प करो, तो प्लीज़ इन वीडियोस को एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस लॉकडाउन में इन वीडियोस को एंजॉय कर सकें, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। तो बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, और साथ में ये याद रखें कि मैं अभी 11th क्लास का जो मैथ्स है उसके लेक्चर्स भी स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज़ 11th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ भी इन लेक्चर्स को, इन वीडियोस को शेयर करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो बाय बाय, टेक केयर।